गुड मॉर्निंग एमसीएल इंडिया परिवार, थैंक यू मंगेश चलार सर फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। आई वाज थिंकिंग फॉर अ मोमेंट किसके बारे में बात कर रहे हो, तो थोड़ा एमबीबीएस सुनने के बाद लगा कि मेरे में बात कर रहे हो। टुडे आई एम मिसिंग माय ऑल एमपीओ ओनर्स, जहां पे हम उनको जूम मीटिंग फॉर्मेट में एक दूसरे को हाई करते, आज जूम वेबिनार फॉर्मेट में है। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन अ ग्रैंड मॉर्निंग टू द ग्रैंड एमसीएल एंड द ब्रांड एमसीएल इंडिया परिवार। जी हाँ, आज कुछ टॉपिक ही ऐसा है, आज कुछ बात ही कुछ ऐसी करनी है जिसके लिए हमने वेबिनार माध्यम को चुना है। तो आई विल रिक्वेस्ट द होस्ट टू अलाउ मी टू स्टार्ट माई स्लाइड्स। सो थैंक यू वेरी मच, आपके साथ आज वेबिनार के माध्यम से रूबरू होते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि आप सब लोगों के साथ एमसीएल के एमसीएल का जो कारवा डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब सर ने शुरू किया है वो एक अलग पड़ाव पे आया है, और उस अलग पड़ाव का बहुत बड़ा हिस्सा एमबीपी है। एमबीपी के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, बट आज हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं, जैसे आज मंगेश सर ने बताया कि पावर ऑफ वन, जो आज हम पूरे देश में एमबीपी का जो प्रोजेक्ट लेके जा रहे, तो एक अलग तरह की क्लैरिटी, पूरी क्लैरिटी आपको देने के लिए मैं आपके सामने समक्ष बैठा हूं, खड़ा नहीं हूं। सो गुड मॉर्निंग वन मोर टाइम एंड लेट मी बिगिन विद दिस अल्टीमेट बिजनेस मॉडल फॉर ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज नथिंग बट एमसीएल एमबीपी प्रोजेक्ट। सो बहुत लोग सोचते रहते हैं कि बाबा ये एमबीपी एमबीपी क्या है। आप अगर 10 लोगों को पूछोगे तो वो अपना अपना एमबीपी बताएगा। तो ये थोड़ा सा अलग अलग तरह का वर्जन, अलग अलग तरह का मॉडल आप अपने दिमाग में है। मैंने बहुत लोगों से बातें की तो कुछ लोगों को तो ऐसा लगा कि एमबीपी मतलब 1.5 लाख लगाओ लाखों पाओ का स्कीम भी है। तो ऐसी बहुत सारी उलट पुलट धारणाएं और बहुत सारे सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है। उन सवालों का जवाब देने की ये मेरी प्रामाणिक कोशिश है, ईमानदार कोशिश है। तो ये एमसीएल में स्टार्टिंग में बता दूं, ये कोई 1.5 लाख लगाओ लाखों पाओ की स्कीम नहीं है। तो जो मेरे भाई सुन रहे हैं, मेरी बहनें सुन रही है, उनको बता दूं कि ये इस तरह की कोई भी स्कीम नहीं है। तो लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज एमवीपी। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दिस इंडियन विलेजेस, बिकॉज एमवीपी टॉक्स अबाउट विलेजेस। इंडियन विलेजेस ये अपने आप में एक अलग इकोनॉमी थी सिंस एंजियंस टाइम। बार्टरिंग सिस्टम, फार्मर्स के अपने सिस्टम, छोटे मोटे कारीगरों के अपने सिस्टम, और उस सिस्टम में इंडिया एक बहुत खुशहाल देश था, हिंदुस्तान एक बहुत खुशहाल देश था, सिंध भूमि अखंड भारत एक बहुत खुशहाल देश था, और जिसकी पहचान, भारत की पहचान ये विलेजेस से होती थी। और ये हमारा एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सत्य है। और उसी साथ में हमें विलेज की एग्रीकल्चर, कृषि व्यवस्था, ये हमारे देश का स्पाइन था, ब्रेन था। डॉक्टर तो थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहिए। स्पाइन और ब्रेन का काम इंडियन एग्रीकल्चर ने किया था, और इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा रोल, बहुत जो काम है वो भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में हुआ करता था, होता है, बट उसकी एक अलग शान और पहचान हमें आज भी बहुत गौरवान्वित महसूस करती है। तो ट्रूली स्पीकिंग इंडियन विलेजेस वेयर द ग्रोथ इंजिन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज कोई भी पंडित, इकोनॉमिकल पंडित जिसको कहते हैं, उनको अगर भारत की बात करनी है तो भारत के गांव की बात करनी पड़ती है, इंडिया के विलेज की बात करनी पड़ती है, क्योंकि तो सही मायने में भारत के विलेजेस ही भारत के ग्रोथ इंजिन थे, और आज भी वो भूमिका वो बाकायदा निभा रहे हैं। तो इस भारत की इकोनॉमी में जैसे विलेज में देखा एग्रीकल्चर जैसे इंपॉर्टेंट था, वैसे हमारे कारागिरों का हैंडीक्राफ्ट
आज भी दुनिया में अपना लोहा मनवाता है। जी हाँ, भारत की कारागिरी को आज भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर आज जापान का टेक्नोलॉजी में नाम नंबर वन है, तो भारत के कारागिरों की, उनके हाथों की जादू की, हैंडीक्राफ्ट की पहचान भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उतनी ही लोकप्रिय है, चाहे जितनी जापान की टेक्नोलॉजी है। और इसी के साथ में भारत के गांवों की जो नींव है वो एनिमल हस्बेंड्री है, जहां पे हमारे इधर बैलों को सम्मानित करने के लिए पोड़ा नाम का सन होता है, गाय को पूजा जाता है, हर एक एनिमल का अपना एक सम्मान है और अपना एक योगदान है इस कृषि व्यवस्था में। और ये हमें भूलना नहीं चाहिए। बीइंग अ विलेज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री हैज प्लेड अ ग्रेट रोल इन दिस। व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस पॉइंट्स, इन पॉइंट का कहीं ना कहीं आपको आगे चल के संदर्भ आएगा, इसलिए आप इन पॉइंट को गौर से सुनिएगा। दिस एनिमल हस्बेंड्री इज एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन विलेज इकोनॉमी। और ये भारतीय इकोनॉमी इतनी 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 भारतीय विलेज व्यवस्था, भारतीय ग्रामीण कृषि व्यवस्था इतनी अपने आप में अमीर थी, इतनी अमीर थी, इतनी बाकायदा ऑलराउंडर थी। यहाँ पे सब कुछ था, सब कुछ था। हम लोग भारत से पूरे देश में सब कुछ एक्सपोर्ट करते थे, सब कुछ एक्सेप्ट गोल्ड। हम सिर्फ गोल्ड इंपोर्ट करते थे, ये एक सत्य है। और शायद ये सत्य ही हमारा इतिहास है, और इस इतिहास के वजह से ही आज भी हमारे इसी धरती को सुजलाम सुपलाम करने का जो बीड़ा है, जो प्रॉमिस है, जो वचन है, जो शपथ है, वो एमसीएल ने ली है। माननीय डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलभ सर, माननीय प्राची मैडम, माननीय मीरा शिवाजी गोलभाई, इनके आशीर्वाद से, इनके नेतृत्व में इसी भारत की धरती को, इसी पावन धरती को, इसी ऐतिहासिक धरती को, उसी प्रवासी व्यवस्था को फिर एक बार सुजलाम सुलाम करने का जो प्रयत्न है, जो कोशिश है, वो एमसीएल कर रही है। और इसका मैस्कॉट है हमारे धरती पुत्र। जी हाँ, भारत को आने वाले में फिल्म इंडिपेंडेंस देगा। ये फिनेंस कहां से आया? ये एग्रो बेसिक आएगा, विलेज बेसिक आएगा। और इसके लिए ये धरती पुत्र अपना रास्ता, अपना कारवा चुका है और चाह है कि 2030 MCL विल मेक इंडिया इंडिपेंडेंट इन फ्यूल, सेल्फ सफिशिएंट इन फ्यूल। और इसमें हमारी जो विजन है वो विजन बहुत क्लियर है। हम 3E पे काम करते हैं, हमारा 3E बहुत क्लियर है, एनर्जी, एनवायरमेंट एंड एम्पावरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट 3E। जब भी आपको कोई सवाल पूछे कि आप क्यों काम करते हो, तो हम भारत के, भारत को सेल्फ सफिशिएंट फ्यूल बनाने के लिए एनर्जी में काम कर रहे हैं। हम पूरे विश्व का एनवायरमेंट, आज आप देख रहे हैं बहुत बड़ा टॉपिक है एनवायरमेंट पे बोलेंगे तो, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर डिफॉरेस्टेशन तक, तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम काम करते हैं। एंड एम्पावरमेंट ऑफ ऑल द मासेस, यस, एंड अवर सेंटर इज अ फार्मर, सो वी आर कमिटेड टू डेवलप वैल्यू चेन दैट विल बी डेडिकेटेड टू एनर्जी, एनवायरमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ मासेस। और इस सब का जो यूनिट होगा, ये 3E का यूनिट होगा, MCL के विजन का यूनिट होगा, भारत की इकोनॉमी को बदलने का यूनिट होगा, एंड दैट यूनिट इज MCL विलेज प्रोजेक्ट, MVP। जी हाँ, MVP, द मोस्ट वैल्यूएबल प्रोजेक्ट, MCL विलेज प्रोजेक्ट, MVP। यही भारत की आर्थिक व्यवस्था को बहुत अलग लेवल पे लेके जाएगा। और माननीय APJ अब्दुल कलाम सर ने जो कहा था कि आने वाले समय में बायोफ्यूल में भारत बहुत बड़ी महासत्ता बनेगा, उस महासत्ता का यूनिट भी है
एमवीपी और वही माननीय ऑनरेबल प्रेसिडेंट कलाम जी के पद चिन्हों पर चलकर ही एमसीएल की नींव रखी गई है और उसी का रास्ता है लेडीज एंड जेंटलमैन एमवीपी एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। वी आर व्हाट इज एमवीपी, एमवीपी क्या है? एमवीपी ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज इन विलेज इंडिया के लिए डेडिकेटेड। हम पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो कहीं ना कहीं अटक चुकी है, जो कहीं ना कहीं डाउन जा रही है, जो कहीं ना कहीं अड़ रही है, जो कहीं ना कहीं पीछे हट रही है, अपना स्वर्णिम इतिहास भूलती जा रही है, उसका सेटबैक हो रहा है और उसी का कारण है कि भारतीय मेन इकोनॉमी को प्रॉब्लम हो रहा है। तो उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम लोग भारत के गांव तक ले जाएंगे एक अलग तरीके से, प्रैक्टिकली पॉसिबल तरीके से, एंड दैट इज द वे ऑफ एमवीपी। हमारा विजन ही है कि हम हर भारत के देश को, एमवीपी का विजन है, हम भारत के देश को, भारत के हर एक गांव को, भारत के हर एक गांव को सुजलाम सुफलाम बनाएंगे, उसकी कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, एक एक कोना नहीं छोड़ेंगे कि जहां पे नेचुरली, मतलब जहां पे एनवायरमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ किए बगैर विकास, हम विकास करेंगे वो एट द कॉस्ट ऑफ मदर अर्थ नहीं करेंगे, एट द कॉस्ट ऑफ नेचर नहीं करेंगे। हम एमबीपी के माध्यम से हर एक विलेज को सुजलाम सुफलाम बनाएंगे, उसका डेवलपमेंट करेंगे, ये हमारा विजन है विथ एवरी एमवीपी। लेट मी टेल यू, एमसीएल में एमपीओ है, दिस अ बीडीए प्राइम बीडीए नेटवर्क है, चैनल पार्टनर्स है, बट ध्यान रखिए द ऑक्सीजन ऑफ एमसीएल इज एमबीपी और एमबीपी is committed for the comprehensive development of villages but not at the cost of mother earth, please make a point of it। and hamara mission kya hai, hamara mission ye hai ki jo resources gaon mein available hai wo human se lekar tangible non tangible sare resources ko ikattha karo aur usi ko laga do us gaon ki unnati mein, us gaon ki pragati mein, और उसके लिए हम कमिटेड है। हर एक गांव की अलग पहचान है, हर एक गांव में अलग रिसोर्सेस है, हर एक गांव में अलग अलग तरह के रिसोर्सेस हैं, उन सारे रिसोर्सेस को इकट्ठा करके उसी के फायदे से उस गांव की प्रगति करने के लिए एमबीपी कमिटेड है, मींस एमसीएल कमिटेड है, एंड दैट इज द मिशन ऑफ एमवीपी। यस, तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स वेरी सिंपल, our sustainable growth of the village, by the village, for the village। remember in one line what is MVP, sustainable growth, us gaon ka shashwat vikas, us gaon ke gaon of the village, by the village, for the village, ye hamara one point agenda hai, sustainable growth of the village, by the village, for the village। to ye hamara objectives ko main abhi yahan pe kuch objective ginaunga, आप भी उसमें अपने ऑब्जेक्टिव जोड़ सकते हो, आप भी इस लिस्ट को बड़ी कर सकते हो, आप भी ये इस पॉइंट्स में अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। द पॉइंट नंबर वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव कि हम फार्मर का इनकम कैसे बढ़ाएं, इंडियन एग्रीकल्चर को मोर रिम्यूनरेटिव कैसे बनाएं। फार्मर्स की आर्थिक आजादी की बातें तो बहुत होती है, बहुत लोग आते हैं, बहुत प्लानिंग होता है, बट एक्चुअल में कुछ नहीं होता। बट एमसीएल बायोफ्यूल क्लीन फ्यूल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो सही मायने में अपना ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा कि हाउ टू इंक्रीज द फार्मर्स इनकम, एंड दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, one of the main or prime objective of MVP। next objective is employment generations। alag alag tarah ke employment ki baat hoti hai, main sarkari yojanaon ke bare mein koi critical view nahi dunga, but kya milta hai employment ke naam pe gaon mein, kya milta hai employment ke naam pe gaon mein, milta hai exploitation। That's a fact। Rather, the entire Indian agriculture and the village ecosystem is right now being exploited।
आर यू नॉट गेट हर्ट बाय दिस स्पॉट? दिन भर अपना खून पसीना बहाने वाले मजदूर के हाथ क्या लगता है? एज गुड एज नथिंग इन दिस हाईएस्ट इन्फ्लेशन इकोनॉमी, नथिंग हाथ लगता है। हम उन्हीं हाथों को एक ऐसा काम देंगे जो बहुत लंबा चलेगा और उसका रिन्यूमरेशन विल बी एज पर इक्वल टू हिज मेहनत एंड द ब्लड स्वेटिंग इज डूइंग इन द फार्म्स। सो दैट इज द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। तो जो जिसको जिसको आज एमबीपी ओनर बनना है उसको दिमाग में डालना है कि मुझे फार्मर्स की ग्रोथ के लिए काम करना है, मुझे एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करना है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा एग्रीकल्चर हमें उसकी फुलेस्ट कैपेसिटी में डेवलप करना है, दिमाग लगाना है, ब्रेन लगाना है कि कैसे, क्यों आज हम भारत में, भारत एक्चुअली स्पीकिंग, श्याम सर ने बहुत बार बताया है कि अगर क्षेत्र में देखा जाए लैंड यूज, कल्टीवेबल लैंड का अगर प्रमाण देखे तो भारत बहुत ऊंचे पायदान पे आता है, बट जब पर हेक्टर प्रोडक्शन की बात होती है तो हम लोग बहुत खींच के नीचे आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारी एग्रीकल्चर कैपेसिटी को हम फुल्ली तरह डेवलप नहीं कर रहे। ये एमबी करेगा। दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ एमबीपी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यस, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विल बी द फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ एमबीपी ओनर। और एमबीपी के माध्यम से हम उस गांव के एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया आयाम देंगे। ये जादू हमारे और एक ऑनरेबल आइडल वर्गीस कुरियन जी कर चुके हैं अमूल के मॉडल में, बट अमूल के मॉडल को अलग लेवल तक उसको रिप्लीकेट करने का काम, नॉट एग्जैक्टली दैट मॉडल बट द रिजल्ट्स व्हाट वर्क ऑनरेबल वर्गीस कुरियन जी हैज अचीव्ड, वो हमें गांव के हर कस्बे में, हर वाड़ी में, हर घर में ले जाने हैं। तो द फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ एमबीपी विल बी एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इन द कमिंग फ्यू मिनट्स आई एम गोइंग टू स्पीक ओनली पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स को आपको आपके ब्रेन में छापना है। एमसीएल जैसी नंबर वन क्लीन फ्यूल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको आना है भारत की, तो आपको ये पॉइंट्स ब्रेन के हर सलकाए गायराए में छापने पड़ेंगे, हर लोब में छापने पड़ेंगे और उसी का रूप आपके अंदर प्रतीत होना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव नंबर फोर इज एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जी हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हैंडीक्राफ्ट हमारी पहचान है, तो लोकल हैंडीक्राफ्ट को सपोर्ट करना, डेवलप करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर फाइव है। ये जो फोटो है, ये फोटो किसी नेट से लिया नहीं गया है, ये हमारे एसएसके भारत जो एमसीएल के बहुत बड़े एसोसिएट्स है, माननीय कार्तिक रावल साहब, माननीय श्याम शंकर उपाध्याय जी, माननीय रमेश पाटिल जी और उनकी सारी टीम ने पालघर जिले में जवार बोखड़ा एरिया में एक गांव में दिखा दिया है कि एक एमबीपी चाहे तो आदिवासी पाड़े को कैसे वाटर में सेल्फ सफिशियंट करता है। पालघर हो, हमारा कोंकण हो, जब पानी तो बहुत दबा दबा बदा बदा बह के बह जाता है, बहुत बारिश गिरती है और नवंबर के बाद इन्हीं एरिया में पीने के लिए पानी नहीं होता है। इसी बात को हमारे एमबीपी ने सोचा, इसी बात को एसएसके भारत के एमसीएल टीम ने सोचा, इसी बात को रावल सर की टीम ने सोचा और उन्होंने जवार मोकाड़ा के इस गांव में उन्होंने आदिवासी पाड़े में पाड़ी ला के दिया। और जो मैल मैल मैलों मैल तक आदिवासी हमारी माताएं, हमारी बहनें जो सर पे अंडा लेके जाती थी, पहाड़ चढ़ के पानी लाती थी, न जाने कितनी कितनी कष्ट वो झेलती थी, उसको हमने देखिए, ये लेक्चर में आने से पहले ही, लोगों को बताने से पहले ही हम ये कांड कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे कांड एमसीएल का एमबीपी करेगा और ये ऑब्जेक्टिव है, बिकॉज जल ही जीवन है और जल ही जीवन को अच्छे से अपने गांव में, अपने गांव को सिप्ल ऑर्डर करना, ये एमबीपी का ऑब्जेक्टिव नंबर सिक्स। सेवेंथ, यस, कैंसर फार्मिंग के बारे में क्या कहना, कैंसर के बढ़ते पेशेंट के बारे में क्या कहना, केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में क्या कहना, हमें रोकना है,
हमें कोई खेत अभी ऑर्गेनिक नहीं करने हैं, हमें पूरा का पूरा विलेज ऑर्गेनिक करना है। इतना ऑर्गेनिक करना है कि हमारा ऑक्सीजन भी ऑर्गेनिक हो जाए, इतनी ऑक्सीजन शुद्ध हमें मिले और विश्व के हर एक इंसान की उम्र बढ़े, हम एक अच्छा खाना खाए, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी ऑर्गेनिक जिंदगी जिए। ऑर्गेनिक होना मतलब मदर अर्थ से प्रामाणिक होना, हमारी मिट्टी से प्रामाणिक होना। तो 100% ऑर्गेनिक विलेज इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव नंबर 7 ऑफ MCL और हम ये करेंगे, हम डेडिकेटेड हैं। हम साफ सुथरा मदर अर्थ, साफ सुथरी मदर अर्थ हमारी आने वाली जनरेशन को देने के लिए बांधिल है, हम कमिटेड है। तो 100% ऑर्गेनिक विलेज का ऑब्जेक्टिव MVP साकार करेगा अपने अपने विलेज में। एंड यस, उसी का एक हिस्सा होगा कि पेट्रोलियम फ्यूल्स को जो नेचर को खा रहे हैं हम बंद करेंगे, हम कार्बन न्यूट्रल विलेजेस करेंगे। आपको बता दूं ये प्रयत्न स्पोरैडिक मतलब अलग अलग तरह पे लोग अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं, बट भारत में भारत का हर एक विलेज कार्बन न्यूट्रल करने का जो प्रयत्न है वो सिर्फ MCL करेगा अपने MVP के माध्यम से। कैन यू इमेजिन द पिक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री? भारत मेरा देश है, स्कूल में बहुत बार कहा होगा, बट उस भारत मेरे देश के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है उसका थॉट आपके अंदर प्रैक्टिकल तरह से डालेगा MVP, दैट इज MCL। तो जिसको जिसको MVP ओनर बनना है, जो जो MVP ओनर है उन्हें सोचना है कि कैसे मेरा गांव कार्बन न्यूट्रल विलेज बने, कैसे कार्बन फुटप्रिंट्स कम हो जाए, पेट्रोल डीजल को हम यहां से भगा दे। दैट इज ऑब्जेक्टिव नंबर 8। एंड द ऑब्जेक्टिव नंबर 9 विच वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट, दैट इज वी आर गोइंग टू मेक अवर विलेज जीरो वेस्ट। जी हां, वेस्ट हमारे लिए एक रिसोर्स होगा। वेस्ट को एलिमिनेट करेंगे तो एज अ डॉक्टर आई टेल यू बहुत सारी बीमारियों को एलिमिनेट करेंगे। बहुत सारे देश वर्ल्ड में मलेरिया फ्री है, हमारे तो मलेरिया आजू बाजू में फैलता है। क्यों? क्योंकि वेस्ट इज द मेन प्राइम कॉज ऑफ पोल्यूटेड वाटर एंड मतलब फूड और वाटर को जो पोल्यूशन करता है ये वेस्ट करता है। एंड दैट इज द रीजन 70% हॉस्पिटल बेड्स आर फिल्ड विद दोज वाटर बॉर्न डिजीजेस। डॉक्टर दोस्तों, एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि ये मेडिकल एस्पेक्ट भी ध्यान में रखिए। जीरो वेस्ट का बहुत बड़ा फायदा है, बट ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है कि बहुत बड़ी आबादी वाले इस देश में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल के ऊपर लोड है, वो भी हम जीरो वेस्ट विलेज इनिशिएटिव लेके कम कर सकते हैं माध्यम से MVP के। एंड जी हाँ, ये डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलप सर ने जो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक किया है, दैट इज MCL इकोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, MCL इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो हम MCL में MVP के माध्यम से हर गांव में ऐसा कुछ यूज ही नहीं करेंगे जो एनवायरमेंट के लिए हानिकारक हो। प्लास्टिक पता है हमें, बायोप्लास्टिक, बायो रबर से लेकर हर एक चीज, श्याम सर ने बहुत बड़ी सीरीज लिए लेक्चर्स की, इसमें बता दिया है कि कैसे हम नेचर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज करने वाले हैं और वो यूज हमारे विलेज में होगा। द मैक्सिमम यूज ऑफ MCL एनवायरमेंट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स विल बी अवर ऑब्जेक्टिव नंबर 10। एंड यस, विलेज के प्रॉब्लम्स को विलेज के लेवल पे अच्छे तरीके सॉल्व करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 11 होगा। और इसी के लिए MVP होगा, इंस्टीट्यूट फॉर लोकल इनोवेशन। अभी आप देख रहे हैं ये जो 11 पॉइंट मैंने बताया ये ऑब्जेक्टिव MVP के है। जिस दिन हम इस पे से 2-3 पॉइंट को भी अचीव करते हैं, हम वर्ल्ड में अपनी मिसाल छोड़ जाएंगे। तो जो MVP ओनर होगा वो अगर ये काम करता है तो अपनी पिछली 50 पीढ़ियां और आने वाली 50 पीढ़ियों का नाम वो अमर कर जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंटली वो अपने माता पिता का नाम अमर कर जाएगा, क्योंकि हम वर्ल्ड को बता रहे हैं कि हमारा जो गांव है वो अलग तरह का गांव है, हमारा जो कल्चर है वो अलग तरह का कल्चर है। और MVP विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज
इंस्टीट्यूट फॉर लोकल इनोवेशन. कैन यू नोट दिस पॉइंट? इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यस, सैल्यूटेशन फॉर आइडियल विलेज, जलीय जीवन है, ये हमारा उद्देश्य होगा. वैसे आने वाले समय में सैनिटेशन फॉर आइडियल विलेज भी हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे एमबीपी के माध्यम से, जो एक अलग रिसोर्स बन के हमारे लिए ही यूजफुल होगा. वॉटर बॉडीज, क्या कर रहे हैं वॉटर बॉडीज का? कबाड़ा, गंगा, जमुना, गोदावरी का हमारा इतिहास है, हमारे देश की पहचान हमारी नदियां हैं, हमने उनका क्या करके रखा है? कबाड़ा. इस कबाड़े को ठीक करने का काम वो बड़ी बड़ी नदी से लेकर गांव के छोटे से नहर तक. श्याम सर ने ऑलरेडी रिवर्स इन इंडिया पे एक ट्रेनिंग लिया था, उस ट्रेनिंग के बाद बहुत सारे एमपी ओनर्स ने अपने गांव के नदी नाले तालाबों की जनगणना शुरू कर दी थी, मतलब उसका सेंसस लिया था, उनका सर्टिफिकेट चेक किया था. हम ये जो आपको चित्र दिख रहा है उतना निर्मल जीवन करेंगे हमारे वॉटर बॉडीज का. हम अपनी जिंदगी जी चुके या जी रहे हैं, बट आने वाली पीढ़ियां इस धरती माँ को, इस मदर अर्थ को इतनी पाक, इतनी क्लियर, इतनी ट्रांसपेरेंट पाएंगे, क्योंकि हमारा एमबीपी वॉटर बॉडीज को कंजर्व करने का बहुत बड़ा काम करेगा. और अल्टीमेटली हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर विलेज इकोसिस्टम को बना के रहेंगे. जी हाँ, ये 14 पॉइंट हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं एमबीपी में, जो प्रो नेचर हैं, प्रो फार्मर्स हैं, प्रो इकोनॉमी है. कौन कहता है कि विकास मदर अर्थ को डैमेज करके होगा, नेचर को डैमेज करके होगा? हम दिखाएंगे कि मदर अर्थ को डैमेज किए बगैर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, और यही हमारा नारा है और यही हमारा काम भी है. तो दिस आर द फोर्थ ऑब्जेक्टिव आई शेयर विथ यू ऑल. एमसीएल का इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ क्या रिलेशन है और एमसीएल का बिजनेस मॉडल इन शॉर्ट क्या है, मैं आपको बता दूं. एमसीएल बेसिकली तीन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करता है. वन इज बायोफ्यूल, सेकेंड इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड द थर्ड विच आई जस्ट टॉक्ड अबाउट, दैट इज इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स एमबीपी. एक्चुअली ये तीन फैक्टर में 3 लाख से ज्यादा रास्ते छुपे हैं विकास के, ये इंपॉर्टेंट है. ये तीन फैक्टर में 3 लाख से ज्यादा इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन छुपे हैं, और ये बिजनेस मॉडल इसी के लिए सस्टेनेबल प्रो नेचर मॉडल है, और यही मॉडल हम एमवीपी के माध्यम से उसको कार्यान्वित करेंगे और मरने से पहले इस विश्व में अपनी छाप छोड़ के जाएंगे. तो रिमेंबर दिस एमसीएल प्रोडक्ट्स विच आर एक्चुअली गोइंग टू चेंज द एंटायर इकोनॉमी गेम अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, आई रिपीट. तो ये जो मैंने बिजनेस मॉडल बोला, ये जो एमवीपी के ऑब्जेक्टिव बोले, ये हम लोग करेंगे कहां पे? तो हमारे जो बेसिक यूनिट इन एमसीएल, मैंने कहा था कि बेसिक ऑक्सीजन इन द एमसीएल इज विलेज ग्राम पंचायत. विलेज ग्राम पंचायत में हमारा फोकस होगा, और सारी चीजों को हम विलेज ग्राम पंचायत के माध्यम से ही असेंडिंग ऑर्डर में लाएंगे, वर्टिकल ऑर्डर में लाएंगे. जो होगा विलेज की जमीन में पहले उसको सो करेंगे और बाद में उसको ग्रो करेंगे, ये हमारा थॉट है. तो एक एमबीपी होगा जो एक गांव में एक गांव का डर करेगा. तो वन एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट फॉर वन विलेज, रिमेंबर दिस. और एक गांव में हम लोग एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे कि वो पूरा गांव एक अलग तरह की खुशहाल जिंदगी की तरफ अग्रेसर होता आपको दिखाएगा. तो फंक्शंस क्या होंगे, अभी आप ठीक से सुनिए, ये एमबीपी के वर्किंग मॉडल क्या होगा, उसके फंक्शंस क्या होंगे. तो नंबर वन जो एमबीपी करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू मी केयरफुली, इज बायोमास फार्मिंग. अब बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है नेपियर ग्रास फार्मिंग. यस, नेपियर ग्रास फार्मिंग विल बी द बिगेस्ट एक्टिविटी, बट बायोमास अलग अलग तरह का होता है. आने वाले समय में हम अलगी का बायोमास भी करेंगे. जहां पे जमीन है वहां पे नेपियर ग्रास होगा, जहां पे जमीन नहीं है वहां पे अलग तरह से
वाटर को कलेक्ट करके हम अलगी बनाएंगे, अलगी भी बहुत सारा एक अलग अलग तरह का लोकल लेवल पे पढ़ाई करके वहां पे क्या क्या बायोमास हम क्रिएट कर सकते हैं, वो बायोमास फार्मिंग विल बी द फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट वर्किंग ऑफ एमबीपी। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने कहा अपने अपने गांव में किस किस तरह का बायोमास हो सकता है। कोंकण में विदर्भ में जाएंगे तो आपको दिखेंगे कि राइस पैड़ी का बहुत सारा बायोमास मिलता है जो लोग जला देते हैं। पंजाब में जाके देखेंगे तो गेहूं का पैड़ी वो इतना सारा जला देते हैं कि दैट इज कॉजिंग द सीरियस डैमेज टू द दिल्ली एंड नियर बाय एरिया। तो एमबीपी एसेस करेगा कि अपने आसपास के एरिया में हम कौन सा बायोमास कर सकते हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं उसी बायोमास का डेमो फार्मिंग एंड प्रमोशन विल बी डन बाय एमबीपी। तो लेट मी टेल यू, जैसे हमारे इंट्रोडक्शन में माननीय बंगेश्वरा जी ने बताया कि श्याम सर के नेतृत्व में एमसीएल में जो आपसे बात कर रहे लोग, मैं हूं, प्राची मैडम हूं, या जो भी हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स है ना, वो लोग हैं, उन्होंने वो हर एक चीज की है जो बोल रहे, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। हमारा काम ही इतना बड़ा था, लेट मी टेल यू, व्हेन 20 इयर्स बैक हम अपना बायोमास का डेमो करते थे, उसको देखने के लिए साउथ अफ्रीका तक से लोग आते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाजू वाला एमबीपी क्या कर रहा है वो छोड़ो, आप अपने गांव में क्या करते हैं वो देखो, वो नहीं करेगा तो मैं नहीं करेगा, भूल जाओ। हमें रेलवे के बोगीज नहीं, इंजन चाहिए, और इंजन जलता है, और जब जलता है तो बहुत जोर से आगे निकलता है। तो हमें हमारा बायोमास का फार्मिंग, ये फोटोग्राफ भी देख रहे हैं आप, हमारे बहुत यंग बिट्स पिलानी के हमारे इंजीनियर सचिन धरने साहब, और हमारे वन ऑफ द फाइनेस्ट सीनियर प्राइम बीडीए माननीय रावल साहब, हमारे नेपियर मैन ऑफ इंडिया कोंडू भरी जी के एक्चुअल डेमो फार्मिंग पे दिख रहे हैं। ये सब डेमो फार्मिंग और उसका प्रमोशन उस एमबीपी को अपने गांव में करना होगा। जी हाँ, और इस एमबीपी को अपने फार्मर्स का ट्रेनिंग लेना होगा, उनको इनपुट देने होंगे, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गांवों के साथ खिलवाड़ हुआ है, हमारे हर गांव के साथ खिलवाड़ हुआ है। कोई भी उठ के आता है, कहता है ये लगाओ वो लगाओ, लगा तो दिया, खरीदेगा कौन? एमबीपी। जी हां, फार्मर्स के पास जाने से पहले हम एमबीपी अपने इतने स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि वहां पे होने वाला हर एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम बाय बैक कर सकते हैं और करेंगे। लोग पूछते हैं कि हम लोग, हमारा प्रोजेक्ट कब लगेगा, हमारा ये कब होगा, हम वो कब करेंगे, तब एमबीपी करेंगे। जरूरत नहीं है, एमपीओ प्रोजेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है। एमपीओ प्रोजेक्ट ड्यू डिलिजेंस होके लगेगा, वो एक अलग काम करेगा। आज 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 अपना एमबीपी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इवन बिफोर द इनिशिएशन ऑफ एमपीओ फैक्ट्री शुरू कर सकता है। आज वो नेपियर गैस प्रमोट करके अपने वो नेपियर गैस का बायबैक कर सकता है, बायोमास का बायबैक कर सकता है। ऑफकोर्स विल टेल यू ऑल हाउ टू डू इट एंड व्हेन टू डू इट। अगर कोई एमसीएल का मोजबाप निकालने का कोशिश कर रहा है बिकॉज ऑफ फैक्ट्री कब लगेगी सवाल पे, तो लेट मी टेल यू वेरी अग्रेसिवली, ये मोजबाप मत निकालिए। आज मार्केट में आके कोई हमारा मॉडल कॉपी करता है तो उसको बोलिए ये 22 साल की मेहनत है, एमबीबीएस और पीजी एमबीबीएस के बाद इंजीनियर्स ऑन बिट्स पिलानी, ऐसे ऐसे लोगों ने ऑनरेबल एपीजे कलाम के कलाम सर के सपनों के पद चिन्हों के ऊपर चल के एमसीएल का बिजनेस मॉडल बनाया है। उसको कॉपी पेस्ट करोगे तो आपका पेस्ट कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाएगा। We don't give any importance to you all, but यहाँ पे मैं बहुत फक्र से, अभिमान से बताना चाहूंगा, We all are ready with all our resources. Now we want to empower our MBPs so that हमारा farmer centric approach जो है वो लोगों के समझ में आए, जन आंदोलन की भाषा लोगों के समझ में आए। फैक्ट्री लगाना बहुत सिंपल सा काम है, तब क्या करोगे अगर कोई बंदा आके आपके तालुके में
आपसे बड़ा फैक्ट्री लगा के जाएगा और आपके पास आपकी सेना ना हो, आपका एमबीपी ना हो, आपका जन आंदोलन का फार्मर ना हो, आपकी कमिटेड रॉ मटेरियल एजेंसी ना हो, तब क्या करोगे? इन बातों को गौर से सोचिए। डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब सर ने ऐसे कुछ नींद से उठ के एमबीसीएल नहीं बनाया, नींद से उठ के एमबीपी नहीं बनाया, एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। आने वाले समय को देखो, आने वाले समय में जो होगा उसका आंसर एमसीएल है और उसका बहुत बड़ा आंसर एमवीपी है। यस, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग का एरिया देखना, कौन से क्रॉप ले सकते हैं, एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द बायबैक ऑफ ऑल ऑर्गेनिक प्रोड्यूस विल बी डन एट एमवीपी। यस, ऑफ कोर्स ये तो हमारा यूएसपी है कि हमारे एमसीएल इकोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, हर्बल मेडिसिन से लेकर हर्बल कॉस्मेटिक से लेकर सारी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। जो हमारा एमबीपी ओनर होगा उसके ऊपर तवज्जो देगा और एनिमल हस्बेंड्री का अगेन द असेसमेंट, द प्रमोशन, द बायबैक, रिमेंबर एवरी चीज, द असेसमेंट, द प्रमोशन, द डेमो एंड द बायबैक हमारा एमबीपी लेवल पे होगा। इतना बड़ा इकोनॉमिकल सेंटर एमबीपी है। आंखें बंद करके जस्ट इमेजिन, जब ये चीजें गांव गांव में होगी तो उस गांव की इकोनॉमी क्या होगी। और इसके लिए ज्यादा समय भी नहीं लगना चाहिए, आने वाले कुछ वर्षों में हम ये जादू लोगों को प्रैक्टिकली दिखाएंगे। कुछ लोग तो हमारे इस तरह से रेडी है कि शायद वो कुछ आने वाले महीनों में ही ये वर्ल्ड को दिखा दे। यस, सिमिलरली हमारे हैंडीक्राफ्ट, जो हमारी जो कारागिर है उनका असेसमेंट, उनका प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग, उनके इनपुट्स, उनको मटेरियल, अगर उनको कोई स्पेशली सर्विस लग रही है, अगर उनको लोकल मार्केट चाहिए, अगर उनको गवर्नमेंट से मिलना है या उनको कोई फैक्ट्री चाहिए, वी विल गिव इट टू देम थ्रू एमवीपी। गांव का कारागिर अभी इधर उधर नहीं भटकेगा, उसको वो शोकेस के लिए गवर्नमेंट के सेंटर जाना नहीं पड़ेगा, हम उसको पहुंचा देंगे वर्ल्ड मार्केट में, क्योंकि हमारा ही मार्केट इतना बड़ा होगा कि हम एमबीपी पे हमारे कारागिर को एक बहुत बड़ी कर दें। आदिवासी, जी हाँ, आज की तारीख में अगर कोई नेचर सच में प्यार करता है तो आदिवासी है। श्याम सर हमेशा एक स्टोरी बताते हैं कि उनको एक एक्सपीरियंस आया था कि उन्होंने पूछा था कि ये आदिवासी लोग, वो आदिवासी लोग को पूछा था कि आप पेड़ के ऊपर के फल क्यों नहीं खाते हो, तो उन्होंने जवाब दिया था कि सर मतलब वो जो पेड़ के ऊपर के फल है वो पक्षियों के लिए, पंछियों के लिए। क्या सोच है? शायद नेचर के प्रति ईमानदार आज कोई है तो ये हमारे ट्राइबल्स हैं और उनके उनके जंगल में उनको एक बहुत डेवलप्ड प्रो नेचर डेवलप्ड इकोनॉमी हम उनको देंगे, उनके लाइफ को बहुत बड़ी यशोगाथा में तब्दील करेंगे और वो भी काम हमारा एमवीपी करेगा। यस, वेरियस लोकल एक्टिविटीज जैसे हमने कहा वो तो होगी होगी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके लिए हमारी कमिटमेंट होगी सैटरडे सेशन। सैटरडे सेशन के बारे में भी श्याम सर ने बहुत बड़ा ट्रेनिंग लिया था। हफ्ते में एक बार आपको आपके गांव के सामने, भले सामने आपके एक आदमी बैठा हो कि दो लोग बैठे हो कि तीन लोग बैठे हो, वहां पे एक निश्चित समय पे, निश्चित डे पे, हफ्ते का एक निश्चित डे और निश्चित टाइम पे जाके आप अपने की बात करो, पूरे दिलो जान जज्बात से करो, गांव की बात करो, उसका नाम है सैटरडे सेशन। और हमारे सेशंस बहुत स्ट्रैटेजिक होंगे और स्ट्रैटेजिक ये बहुत कंपलसरी होगा अपने गांव से जुड़ने के लिए, भविष्य में एमसीएल में ग्रो होने के लिए। एमबीपी को सैटरडे सेशंस बहुत सीरियसली और बहुत ईमानदारी से लेने पड़ेंगे। लेट मी टेल यू, आने वाले समय में जो भी एमबीपी आएंगे उनको सैटरडे सेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही उनसे आगे की बात करने का भी प्रोटोकॉल विचाराधीन है। यस, तो ये मैंने बताया इन शॉर्ट कि एमबीपी क्या क्या फंक्शन करेगा। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एमसीएल एमबीपी को क्या सपोर्ट करेगा। लोग पूछेंगे भाई हम तो ये कर लेंगे, अब बोलो तुम क्या करोगे, तो
हम क्या करेंगे उसका जवाब आने वाले कुछ समय से मिलेगा। तो MCL विल गिव एक्सटेंसिव सपोर्ट टू MBP। MCL विल बी अ पार्टनर ऑफ MBP एट एवरी स्टेप। आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ है, ना आगे है ना पीछे है, कंधे से कंधा लगा के एट एवरी स्टेप हम आपके साथ है। देखिए MBP उस गांव का होगा, वो आसाम का होगा, राजस्थान का होगा, गुजरात का होगा, कर्नाटक का होगा, कश्मीर का होगा, हिमाचल प्रदेश का होगा, महाराष्ट्र का होगा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट। वो आदमी उस अपने गांव की बात करेगा, गांव के कल्चर की बात करेगा, गांव की इकोनॉमी की बात करेगा, गांव के फार्मर्स की बात करेगा। उसकी बात अलग होगी बट हमारी साथ सबके साथ होगी। उस हर अलग बात को सजेस्ट करने के लिए MCL MBP को हर स्टेज पे सपोर्ट करेगा। और ध्यान में रखिए, उद्योजक एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा और इसके लिए हर एक MBP को सॉलिड एंटरप्रेन्योरशिप MCL देगा और उसको आने वाले समय में स्ट्रॉन्ग कैलिबर सेल्फ सफिशिएंट एंटरप्रेन्योर बनाएगा, ताकि वो अपने गांव को अच्छे से समझ पाए और अच्छे से आगे ग्रो कर पाए। यस, whatever support system you want at back end, at front end, wherever you want the help, support, advice, guidance, MCL आपको देगा। तो ये ऐसा नहीं है कि आप आए आपको छोड़ दिया, जी नहीं, हम आपके साथ में रहेंगे। the help, support, advice guidance हर एक MBP को MCL देगा। और वो होगा business support system, जहां जहां पे जरूरत लगेगी processing unit MCL डाल देगा, जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट MCL डाल देगा, जहां जहां पे स्टोरेज, लॉजिस्टिक, लोकल प्रोड्यूस के लिए जो भी चाहिए वो सारा काम MCL करेगा MBP के साथ में। तो ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं होगा, एक एक्टिव सपोर्ट होगा टू सपोर्ट अवर ऑनरेबल एक्टिव MBP जो रियल में काम करने वाले। लर्निंग एंड डेवलपमेंट, हर एक बार टाइम टू टाइम रेगुलरली एट रेगुलर इंटरवल्स ट्रेनिंग एंड टेक्निकल गाइडेंस MBP को दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं दिन ब दिन बदल रही है, हर बदलती टेक्नोलॉजी का हम आपको ट्रेनिंग देंगे। ये हमारा काम होगा, ये हमारी कमिटमेंट होगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जो भी कर रहे हो तो आप अगर MBP अगर गांव के लेवल पे फार्मर्स को 100% बायबैक की, 100% प्रोड्यूस बायबैक की गारंटी ले रहा है, तो हम आपको 100% मार्केटिंग असिस्टेंस और 100% बायबैक देंगे। आपको वहां पे अपने गांव में सैटरडे सेशन लेके शुरुआत करनी है, बाकी आपके साथ में, आपके हर बात में हम आपके साथ होंगे और आपको कहीं भी सर्दी की जरूरत नहीं है। हम 100% मार्केटिंग असिस्टेंस बायबैक आपको देंगे। लेट मी टेल यू, ये सारे प्रवास में हम नॉन पॉलिटिकल होंगे। उसका कारण एक ही है, भले हमारी वैयक्तिक विचारधारा किसी एक राजकीय पक्ष पार्टी के साथ में होगी, बट हम जब काम करेंगे एज MBP तब हम नॉन पॉलिटिकल काम करेंगे। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है या विपक्ष में है, हमको किसी से भी दुश्मनी नहीं है। उसके ऑन द कॉन्ट्ररी हम उनको कहेंगे कि आइए हम लोगों को साथ में लेके काम करते हैं। हमें फार्मर्स की इकोनॉमी में इंटरेस्ट है, हमें एनवायरमेंट में इंटरेस्ट है, हमें एम्पावरमेंट में इंटरेस्ट है, हमें किसी की भी पॉलिटिकल सत्ता को आह्वान देने का अभी हमारा कोई मकसद नहीं है। ये मैं क्लियर करता हूं और इसके लिए MBP को भी क्लियर करता हूं कि आपको डरने का जरूरत नहीं है। आपका 100% मार्केटिंग असिस्टेंस और बायबैक हम करेंगे और इस तरह से हम एक पूरे विलेज को एक ट्रांसफॉर्म, एक इकोलॉजिकल, एक प्रो एनवायरमेंट फ्रेंडली, एक सेल्फ सफिशिएंट, एक इकोनॉमिकली आजाद जो ट्रांसफॉर्म विलेज होगा वो विलेज MCL करेगा। बहुत सारी बातें हो गई, मैंने आपसे बताने की कोशिश की भाई भारत के प्राचीन में गांव कैसे थे, फिर मैंने बताया कि भाई हमारा MCL का बिजनेस मॉडल क्या है, उस बीच में मैंने बताया कि हमारे MBP के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, और मैंने ये भी बताया, आप बताने की कोशिश की कि एक्चुअली फंक्शनिंग कैसे करेगा।
खाली बातों से पेट नहीं भरता। तो जो ये एमवीपी है, जो इतना बड़ा काम करने वाला है, तो इस एमवीपी के अंदर इनकम पोटेंशियल कितना है? लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ मिनट के लिए स्तब्ध रहिए और देखिए एमसीएल ने और माननीय डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब सर ने क्या मॉडल बनाया है। उसका इनकम पोटेंशियल अगर आप देखोगे तो हमारे मराठी में बोलते हैं कि काकेत कसा गावाला वसा, वो क्या भूमि में ढिंडोरा है गांव में पिटोरा, ऐसा कुछ वो मने वो हिंदी में। इतना ताकत, इतना पोटेंशियल, इतना इनकम पोटेंशियल एमबीपी में। लेट मी टेक यू जस्ट गिव द ग्लिम्स कि क्या इनकम पोटेंशियल होगा। सो सबसे पहले आप इस बात को नोट कर लो। सो मिनिमम बिजनेस टारगेट इज, अगर हम किसी गांव में एमबीपी दे रहे हैं तो 100 हेक्टेयर बायोमास फार्मिंग और 50 हेक्टेयर का एमबीपी फार्मिंग और 100-300 हेक्टेयर का ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये हमारा एक एमबीपी का कैलकुलेशन है। तो एक एमबीपी को इकोनॉमिकली बहुत बड़ी छलांग मारने के लिए मिनिमम से मिनिमम 150 हेक्टेयर लैंड, कल्टीवेबल हेक्टेयर लैंड चाहिए। तो अगर हमने कहा था एक गांव एक ग्राम पंचायत, तो अगर एक गांव में अप्रोक्सीमेटली 150 हेक्टेयर लैंड है तो उसका एक एमबीपी हो गया। इस बात को आप नोट कर लो। नाउ एक विलेज एक ग्राम पंचायत एक एमबीपी, गौर से सुनिए। वन विलेज वन ग्राम पंचायत वन एमबीपी। जब ग्रुप ग्राम पंचायत होगी, जैसे कि मैं कोंकण से हूं, मेरा गांव करौली राजापुर तालुके में आता है, वहां पे ग्रुप ग्राम पंचायत, वहां पे करौली कोंडोशी निकरे मोरोशी ऐसे चार गांव आते हैं। ये गांव अपने आप में बड़े हैं, फिर भी मेरे गांव के नाम से उसका ग्रुप ग्राम पंचायत। अभी आप ठीक से सुन लो, ऑल द प्राइम बीडीएस सीनियर प्राइम बीडीएस एंड एमपी ओनर्स, अगर ग्रुप ग्राम पंचायत है, अगर ग्रुप ग्राम पंचायत है और उसमें अगर 400 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड कल्टीवेबल आती है तो हम वहां पे वन एडिशनल एमबीपी कर सकते हैं। बट उसके लिए एमपीओ ओनर्स और प्राइम बीडीए का एक इवैल्यूएशन और उनका सहमति होना जरूरी है। एमपीओ ओनर एंड प्राइम बीडीए विल रेकमेंड, अदरवाइज इट वोंट हैपन। आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर, इट इज नॉट द थंब रूल, इट इज जस्ट अ रेफरेंस लाइन। अगर ग्रुप ग्राम पंचायत है तो वहां पे फॉर एडमिन पर्पज 400 हेक्टेयर के ऊपर अगर लैंड का इक्वेशन आता है तो माननीय एमपीओ ओनर और माननीय सीनियर प्राइम बीडीए उसका डिसीजन ले सकते हैं। बट अगर वो डिसीजन उनके वो अगर नहीं चाहते तो हम उनकी डिसीजन को मान लेंगे और जिसको उन्होंने अपॉइंट किया है उसको पूरा कारोबार करने की परमिशन दे देंगे। और अगर उसने नहीं किया तो उसकी जिम्मेदारी भी ऑनरेबल सीनियर प्राइम बीडीए और एमपी ओनर्स की होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनकम पोटेंशियल अभी देखेंगे हम। तो आपने दिमाग में लिया एक एमबीपी 150 हेक्टर मिनिमम, एक एमबीपी एवरेज 400 हेक्टर अगर वो आता है तो, ये दो चीजें क्लियर हो गई आपके दिमाग में तो आपको आगे का इक्वेशन समझेगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, इट इज अनबिलीवेबल जेंटलमैन। बट एमसीएल में एवरीथिंग इज अनबिलीवेबल। 22 साल पहले जब हमने सपना बनाया था एमसीएल बनेगा, इतना बड़ा उसका प्रोजेक्ट होगा, तब किसी ने विश्वास नहीं किया था। दुनिया की तो आदत है, चांद पे जाऊं बोलने वाले लोगों को भी उन्होंने बोला था कौन जाएगा चांद पे, विमान उड़ने वाले राइट बंधु को भी यही बोला था। तो हर एक मिरेकल, हर एक मैजिक, ये कहीं ना कहीं किसी के दिमाग की उपज होती है, थॉट होता है। वो थॉट बायोमास फार्मिंग है, आपके दिमाग में अगर आपको इनकम पोटेंशियल देखना है तो आपको वो लैंड का फॉर्मूला याद रखना है। तो बायोमास फार्मिंग पोटेंशियल में हम आपसे 250 रुपीज टन में बायबैक करेंगे, तो कैन यू इमेजिन आपका इनकम पोटेंशियल इज 75 लाख टू 125 लाख पर एनम। अभी तक जो मैंने बातें की, अभी तो जो स्लाइड्स में मैंने बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े इकोनॉमिकल
दावे किए, वादे किए, उन सबका एक ही स्लाइड, ये स्लाइड है। 75 लाख पर एनम, कैन यू टेल मी, आज एक गांव में एक एमवीपी के पास अगर हम गांव में कुछ प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो क्या हम 75 लाख से लेकर 125 लाख तक की इकोनॉमी तैयार कर सकते हैं पर एनम? कोई चांस नहीं। ये एमसीएल ही है जो एमबीपी है जो इतना बड़ा, द फर्स्ट इनकम पोटेंशियल, नोट इट डाउन, बायोमास फार्मिंग कैन गिव यू 75 लाख पर एनम टू 125 लाख पर एनम का इनकम पोटेंशियल। आई थिंक ये एक स्लाइड पे हम लोग यहाँ के रुकना चाहिए, ये एक स्लाइड ही काफी है, आगे का बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे हम इसको ऐड करेंगे तो हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम करते हैं 100 हेक्टेयर ऑफ एरिया में तो उसका क्या कॉस्टिंग मिलेगा, ये अभी आप लिखो। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का लिखा 75 लाख टू 125 लाख, 125 लाख पर एनम आपने बायोमास फार्मिंग का लिखा, अभी आपके लिस्ट में ऐड करो इनकम कहां कहां पे ऐड होगा। ये खतरनाक मॉडल है। एमईपी एज पर एक्चुअल बायो रबर, बायो प्लास्टिक, हर्बल मेडिसिन, हर्बल कॉस्मेटिक, हर्बल प्लांट्स। लास्ट टू लास्ट वीक हमारे सीनियर नेशनल प्राइम बीडीएम माननीय रावल साहब ने एमबीपी के ऊपर ही बहुत अच्छा लेक्चर लिया था, वो मेरे से बेटर लेक्चर लिया था, और उस लेक्चर में उन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट को लिया था और बताया था कि कितनी बड़ी इकोनॉमी आ सकती है, वन प्रो नेचर, वन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, एंड ही हैज गिवन यू द ह्यूज पोटेंशियल, 5 से 10-15 लाख का पोटेंशियल उन्होंने बताया था। अभी उसको भी ऐड करो, बायोमास फार्मिंग का पोटेंशियल, ऑर्गेनिक फार्मिंग का पोटेंशियल, एमबीपी प्रोजेक्ट का पोटेंशियल, हर्बल प्रोडक्ट का पोटेंशियल खत्म नहीं हुआ है, देसी काऊ घी का पोटेंशियल, अभी तो वो गोबर के फेफड़े आ रहे हैं उसका भी पोटेंशियल, गोट रियरिंग का पोटेंशियल, बी फार्मिंग ऑलरेडी हमारे एमबीपी चालू कर दिए, सिल्क फार्मिंग, ऑर्गेनिक पोल्ट्री, मतलब कितना बाप रे, एक 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 डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी को सेंट्रलाइज करने का रास्ता है एमबीपी। ये चीजें हमने अलग 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 जगह पे सुनी है, इसको पूरा इकट्ठा करके जस्ट और एंड गो ऑन एडिंग ऑर्गेनिक फिशरीज, गो ऑन एडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एमसीएल का अपना प्रोडक्ट है, द कुकिंग गैस सप्लाई, क्लीन फ्यूल सप्लाई, ट्रांसमिशन सप्लाई, सबसे इंपॉर्टेंट आपके एरिया में गाड़ियों में सीएनजी किट बनाने का धंधा, और जो भी एमसीएल के अंदर फूड प्रोडक्ट्स बनेंगे उन सबका शोरूम, सबका सेल्स काउंटर, सबका विक्री, सबका बिजनेस होगा एमवीपी। कैन यू जस्ट एडिट ऑन एड इट ऑन एंड अंडरस्टैंड कि हम लोग एमबीपी में कितनी बड़ी इकोनॉमी को देख रहे हैं। दिस इज अनबिलीवेबल, बट हमने कोई बिलीवेबल काम किया ही नहीं। 20 साल पहले लोग पूछते थे तो हम हमारा वही जवाब था जो आज आपको दे रहे, आज भी कुछ लोग पूछते हैं तो उनको भी दे रहे जवाब, सवाल को जवाब देना ही हमारा काम है और आगे बढ़ते जाना है हम। आप इन सबको अगर एड ऑन करते हो, काउंट एक गांव की इकोनॉमी कितनी बड़ी होगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इसमें इंक्लूड नहीं किया है, ये तो एमबीपी का हुआ, एमपीओ एमसीएल 20% सीएसआर इन्हीं गांवों में करेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन यू सी द चेंज? इफ यू वांट टू सी द चेंज, बी द चेंज, Be the change, और MVP ये be the change है। जिसको समझ में आया साथ में रहे, समझ में नहीं आया मीटिंग भी छोड़ दे, MCL भी छोड़ दे, नो वरीज। हमें कुछ गिने चुने लोग चाहिए जो इस थॉट को समझे, आने वाले 10-20 साल की इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी को समझे, भविष्य की बात सुने। एलोन मस्क साहब वो कहते हैं कि भाई मंगल ग्रह पे जाओ,
उसके नॉर्थ पोल पे एटॉमिक बॉम्ब फोड़ दो, साउथ पोल पे एटॉमिक बॉम्ब फोड़ दो, उधर की बर्फ पिघल जाएगी, हमें पानी आएगा, फिर जीवन बनेगा, उधर फिर घर बनाएंगे। इस पे कुछ लोग हंस रहे और कुछ लोग उनको इतना फंडिंग कर रहे कि वो दुनिया के सबसे बड़े अमीर इंसान हो गए। वो तो शायद बहुत ज्यादा ही अनबिलीवेबल बात कर रहे, वो शायद आने वाले 100 साल के बाद की, 50 साल के बाद की बात कर रहे हैं, हम आने वाले 5 साल की बात कर रहे हैं और कोई असल बात नहीं कर रहे। ये हो सकता है, ये होगा, और डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलपसर ने कहा है तो ये हम करके दिखाएंगे। दिस इज व्हाट इज द इनकम पोटेंशियल। एक बार और जस्ट रन थ्रू करवाता हूं आपको इनकम पोटेंशियल, जिसको भी सवाल पूछने हैं। नंबर वन बायोमास फार्मिंग पोटेंशियल 75 लाख to 125 लाख। नंबर टू ऑर्गेनिक प्रोड्यूस इनकम पोटेंशियल एज पर एक्चुअल। देन दिस MBPs, हेलो प्रोडक्ट, मेडिसिंस, ऑलरेडी SSK भारत जो MCL का एसोसिएट है, उन्होंने अपना हर्बल प्रोडक्ट्स के ऊपर वेबसाइट बना दिया है। पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग, लेडीज एंड जेंटलमैन, एनिमल हस्बेंड्री प्रोडक्ट्स, गोट रेयरिंग, सेरिकल्चर, बीफ फार्मिंग एंड व्हाट नॉट, ऑर्गेनिक पोल्ट्री, एड इट ऑन, यू विल अंडरस्टैंड द इकोनॉमी। और कोई मीडियोकर भी होगा जो ये अगर इतना भी सोच ले, कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, अरे बाप रे ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। हमने ऐसे लोगों को एक ही जवाब दिया है, मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठे बावर की बातें किया करो। तो अगर आपका माइंडसेट भी मीडियोकर है तो मैं आपको और एक थॉट देता हूं, देना चाहिए नहीं पर देता हूं। इस सारी कैलकुलेशन को करो कागज पेन लेके, और इसका 1% भी सक्सेस आपको मिलता है तो उसकी कॉस्ट निकाल के मुझे बताओ वो कितनी होगी। उसमें भी आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी। दिस इज व्हाट द इकोनॉमिकल मॉडल, द इनकम पोटेंशियल ऑफ MVP। बहुत बोल दिया भाई, ऑब्जेक्टिव बोल दिए, पोटेंशियल बोल दिया, क्या करना बोल दिया, MCL बोल दिया, सब बोल दिया, फिर करना क्या है? MCL में MVP कर दो, उसको करना क्या है? What is need to be done? That is the most important point. क्या करना है? सिंपल, अगर आपको MVP ओनर बनना है तो आपके पूरे गांव का स्टडी करना पड़ेगा, उसके रिसोर्सेस की असेसमेंट करनी पड़ेगी। नंबर टू, आपके गांव में आप कितना इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर सकते हो उसका असेसमेंट करना पड़ेगा। आपके गांव में एक्चुअल बिजनेस पोटेंशियल कितना है उसका असेसमेंट करना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, द प्रॉब्लम्स एंड चेंज, इनको आइडेंटिफाई करके आप MCL के साथ मिलके आपके गांव को कैसा प्रगल्भ गांव बना सकते हैं सोचना पड़ेगा। मतलब आपका एजुकेशन मैटर नहीं करेगा, आपकी डिग्री मैटर नहीं करेगी, मैटर करेगी आपकी सोच, आपकी नियत कि क्या आप ये चीजें कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो करने वाले हर एक बंदे के लिए MVP ओपन है, बाकी लोग इस रास्ते पे ना आए। यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने गांव की एक विलेज विजन आपको तैयार करनी पड़ेगी। सिंपल होता है कि 10 साल के बाद मेरा गांव कहां पहुंचेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि उस मेहनत से 60% लोग मिनिमम आपके साथ खड़े होने चाहिए, जो गांव के विकास के प्रति, ना कि आपके इलेक्शन के वोट के प्रति, गांव के विकास के प्रति, अपने आने वाले पीढ़ियों के अस्तित्व के प्रति, अपनी मदर अर्थ के प्रति वफादार हो, उन लोगों को आपको साथ में खड़ा करना है। और एक ऐसे होगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके लिए आपकी ईमानदारी, आपकी नियत, आपकी काबिलियत का क्या एक प्रमाण होगा, वो प्रमाण होगा सैटरडे सेशंस। आप कितने ईमानदार हो, आप कितने वफादार हो, MCL के प्रति नहीं, MBP के प्रति भी नहीं, अपने प्रति। अगर MBP ले रहे हो तो अपने साथ स्वयं कितने आप वफादार हो आपके साथ, ये बताएगा आपका सैटरडे सेशन। एंड दैट इज द मोस्ट
एज पर श्याम शिवाजी गोलब सर ओपिनियन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी होगा जो आपके विजन को अचीव करने में सफल होगा। क्या एमबीपी का रास्ता यहीं तक रुकता है? क्या एमबीपी ओनरशिप गांव का रह जाएगा? नहीं नहीं नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई और बहनों, श्याम सर ने 100 बार कहा है, ऑन रिकॉर्ड करे, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमारे जो एमबीपी ओनर्स होंगे अच्छा काम करेंगे तो वो बायोफ्यूल स्टार्टअप चालू कर सकते हैं, उनका भी एमपीओ की तरह फैक्ट्री लग सकता है। जो अच्छा काम करेंगे वो एमसीएल के माध्यम से अलग अलग जगह पे डायरेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव रोल प्ले करेंगे, वो अलग जगह पे हमारे साथ प्रमोटर का रोल प्ले करेंगे, अलग जगह पे डिस्क रोल प्ले करेंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट जोनल स्टेट हेड बन सकते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो एमसीएल के वीपी भी बन सकते हैं। और उससे आगे चल के बात कहूं, अगर आप में उस एमबीपी ओनर में सच में काबिलियत है, वो किसी जात का मैटर नहीं करेगा, वो काला है कि गोरा मैटर नहीं करेगा, वो अमीर के गरीब मैटर नहीं करेगा, अगर उसकी सोच, उसकी नियत, उसका काम बड़ा होगा, तो ये रिकॉर्ड कर लो कि वो इंसान एमसीएल में सीईओ तक बन सकता है। तो सिर्फ गांव का प्रोजेक्ट मिल गया तो छोटा प्रोजेक्ट मिल गया, ये दिमाग से निकाल के ये चित्र देखो, ये बहुत बड़ा चित्र है। और इस चित्र को जो लोग देख रहे हैं तो उनको मैं आह्वान करता हूं कि अगर जब इस एमसीएल में किसी को एमबीपी नाम का नेम प्लेट लगाओ, क्योंकि वो राइट्स एमपीओ ओनर और प्राइम मीडिया के पास है, तो आपने देखा कितना बड़ा पिक्चर, कितनी बड़ी इकोनॉमी, कितना बड़ा इमेज उसके खंडों पे है। तो किसी को अगर एमबीपी दो तो उसका इंटरव्यू लो, उससे बात करो, उससे पूछो, उसकी नियत ढूंढो, उसकी सोच को देखो, क्या वो हमारी सोच से मेल खाती है, तो उसको लो। इसीलिए सिलेक्ट प्रॉपर एमवीपी, प्रॉपर एमवीपी। लेडीज एंड जेंटलमैन, शायद यहां पे कुछ ऐसे एमपी बैठे होंगे जो प्रोजेक्ट लगने का इंतजार करते होंगे। वो हमारे बचपन में एक स्टोरी थी, बारिश, एक मंकी बोलता था, भाई बारिश आएगा तब मैं घर बनाऊंगा, उसका घर कभी नहीं बना। तो जो इनएक्टिव एमबीपीज है, जिन्होंने गांव में ऐसे खुद के ऊपर मैं एमबीपी में फलाना बन के वो छट्टू मार के बैठे हैं, और जो पेमेंट भी नहीं कर रहे ना काम कर रहे, ऐसे सब इनएक्टिव एमबीपीज के लिए 10 जून 2022 डेट लाइन है। अपने आप को एक्टिव करो, आपके एमपीओ से बात करो, आपका पेमेंट कैसे सॉल्व करो, अदरवाइज यू विल बी ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड, बिकॉज वी से इन एमसीएल, जो मेरे ग्राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं, और मेरा ग्राम ही मेरे एमसीएल का अस्तित्व का निशानी है, प्रगति का रास्ता है, ऑक्सीजन है, एवरीथिंग है। रिमेंबर, हमारे भरत भाई पचानी सुन रहे होंगे तो उनके लिए नया स्लोगन, जो मेरे ग्राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। ऐसे बिना काम के लोगों को नारल श्रीफल देके उनका एक अलग प्रोग्राम करो, और उनको बोलो, भाई और उनकी बहनों, अभी आप ये शाल पहनो और आप चुपचाप बैठे रहो, किसी अच्छे बंदे को काम करने। आपने अगर पैसा डाला है तो हमने प्राइम बीडे के रिक्वेस्ट के ऊपर उनको शेयर्स दिए हैं, वो शेयर्स सब ग्रो होंगे। बट पैसा डाला है पर काम नहीं कर रहा है, तो उसको 10 जून 2022 तक एमपीओ ओनर्स एंड प्राइम बीडीएस रेकमेंड करके टर्मिनेट करके वहां पे नए इंसान की कृपा करके अपॉइंटमेंट कर दो, जो ये सारी चीजें करेगा। क्योंकि ध्यान रखना भरत भाई, जो मेरे ग्राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वार्निंग मैं आप सबको दे रहा हूं, बता रहा हूं, हल्के में लेना है एमसीएल को तो कृपा करके मत लीजिए। हमने बताया है आपको कि कितनी बड़ी इकोनॉमी आपको दे रहे हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, आने वाले समय में एमबीपी को शेयर्स नहीं मिलेंगे। आपको बात बता दूं, आज एमबीपी के शेयर्स देने के लिए लोग मर रहे हैं, लोग पीछे पड़ रहे,
हम उनको शेयर्स देते नहीं है। एमबीपी के शेयर हमने बंद किए थे, एमपीओ हमारे प्राइम बीडीएस ने बोला, असिम पैटर्न ने बोला कि सर थोड़े वक्त के लिए दो। ध्यान में रखो, अगर कोई यह समझता है कि एमबीपी के पैसे लेके हम कुछ बड़े हो जाते तो यह गलत है। एमसीएल में लोग जानते हैं कि हम लोग हर रोज 15-15 इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू में आप 10 लाख रुपए लेके बैठता है, उसमें से मुश्किल से 2 लोग पास हो जाते हैं। अगर हमको पैसे ही लेने तो 15 के 15 पास करके दिन का 1.5 करोड़ का धंधा कर सकते थे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ना ही हमें धंधा करना है इस तरह का, ना ही हमारा मार्केट गंदा करना है। तो आज तक तो शेयर्स मिले एमबीपी को, उसके बाद शेयर्स मिलने की संभावना कम है। आने वाले शायद महीने में या 30-45 डेज में एमबीपी के शेयर्स बंद हो जाए। तो जिनको मिला है अपने आप को लकी समझो, काम करो या तो भाई कुर्सी खाली करो। तो शेयर्स नहीं मिलेंगे, डिपॉजिट रखा जाएगा, जितने वापस ले जाओगे डिपॉजिट आपका काम बंद हो जाएगा। घर में आए डिपॉजिट भरा रह गए, रेंट पे डिपॉजिट लेके गए, रेंट खाली हो गया, सिंपल। तो आने वाले 30-45 डेज तक ही शेयर्स का इश्यू है। दिस पॉलिसी इज अंडर कंसिडरेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी अंडर कंसिडरेशन, भाई ये 1.5 लाख भी बंद हो जाए, इट विल बी एटलीस्ट डबल हो जाए। ये मैं कुछ सेल्स टॉक नहीं कर रहा हूं ताकि आपको डरा के आपसे पैसे निकालूं, बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि आपने देखा अकेले बायोमास फार्मिंग में 75 से 125 लाख रुपीज पर एनम आ रहे, बाकी तो जोड़ते रहो उसके भी दौड़ते रहो। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉलिसी प्रोटोकॉल्स अंडर कंसिडरेशन है, दे विल चेंज इट वेरी सून, तो फायदा उठा लो, ये मेरा को कहना है। साथ में नहीं आते हो, वेरी गुड, अपने घर पे रहो, अपने पैसे रखो, बैंक में रखो, एफडी में रखो, हमारे रास्ते मत आइए, क्योंकि हमारा रास्ता ये एक्चुअली खून से जा हुआ रास्ता है, बहुत मेहनत से बनाया हुआ रास्ता है, कोई कॉपी पेस्टेड प्रोग्राम नहीं है हम लोग। तो हमारे साथ में आना है तो कंधे से कंधा लगा के और इन नियम में बैठ के आना है। तो प्लीज नोट, नो शेयर्स, ओनली सिक्योर डिपॉजिट एंड द एंट्री फी विल बी डबल्ड what is right now today. So let's be a part of 22nd century world leader India. Let me tell you, 22 shatabdi mein Bharat bahut badi taakat hoga. Yaad rakhiye, China ne kitna planning karke aaj apne aap ko number 1 banaya hai, usse kai guna zyada planning hum log aap log saath mein milke karke Bharat ko सच में नंबर वन बना सकते हैं कि भारत माजा देश है, भारत मेरा देश है, इंडिया इज माय कंट्री, वो साबित करने का समय आ गया है और साबित करने का रास्ता इज ओनली एमवीपी। सो डोंट थिंक टू मच, जस्ट बुक एमवीपी नाउ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय एमसीएल।